लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज्यादा तकलीफ तो मेरे रिश्तेदारों को है माँ जी। अरे लेकिन सबको तकलीफ क्या है, तू साफ साफ क्यों नहीं बताती? वो क्या है ना माँ जी, वो लो शुरू हो गई इसकी नौटंकी। देखता हूँ अब ये क्या गोल खिलाती है। वो क्या है ना माँ जी, वो सब मेरी शादी को लेकर परेशान है। सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, बल्कि सारे रिश्तेदारों ने अपने मन पसंद लड़कों के फोटोग्राफ्स मेरे घर पर भी भेज दिए हैं। मेरी माँ चाहती है मैं उनमें से एक लड़के को पसंद करके शादी कर लूँ। शुभ काम में देर किस बात की है, किसी को भी चुन लीजिए और शादी कर लीजिए, हमेशा हमेशा का झंझट खत्म। कैसे कर लूँ, उनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आया। माँ जी मैं तो उसी से शादी कर सकती हूँ ना जो मुझे पसंद हो। बिल्कुल गीता, तो फिर तू अपनी माँ को अपनी पसंद के बारे में बताती क्यों नहीं? ये काम आप ही कर सकती हैं माँ जी। मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी दिन मेरे घर आइए ना, मैं आपको अपने मन पसंद लड़की के बारे में सब कुछ बताऊंगी। फिर आप मेरी माँ को बताना और मेरा रिश्ता पक्का कर देना। ठीक है बेटी, अब सचमुच बहुत अच्छी है माँ जी, मैं बहुत जल्द आपको अपने घर ले जाऊंगी। वरना अगर मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया तो मैं क्या करूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटी, तुझे तेरी पसंद का ही वर मिलेगा। सच माँ जी? अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अरे ये क्या कर रही है? गंगाधर मुझे दरवाजे तक नहीं छोड़ोगे? नहीं हम आपको यहाँ से दरवाजा दिखा देते हैं, वो देखिए वो सामने दरवाजा है, आप चलकर वहाँ पर जाइए, चिटकने को नीचे कीजिए और हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाइए। ये क्या बोल रहा है गंगाधर, जा जाकर इसे छोड़ के आ। सुना नहीं तूने, जाओ इसे छोड़ के आओ। ठीक है आइए। अच्छा माँ जी। अच्छा बेटे जाइए। जब देखो शादी शादी गंगाधर जी। फिर वही जी? हाँ जी, अभी तो मैं जा रही हूँ। जाओ, लेकिन बहुत जल्द मैं वापस आऊंगी हमेशा के लिए। फिर जब तुम रोज रोज काम पर जाया करोगे ना, तो मैं इसी तरह दरवाजे पर आऊंगी तुम्हें छोड़ने। अच्छा जी चलती हूँ, बाय। ला 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 ला। समझ में नहीं आता इसका क्या करूं, अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो
बारात लेकर आ जाएगी ये वत्स गंगाधर। अरे बाप रे। सुनंदा को कमजोर बनाने का एक ही रास्ता है शिशिर। अगर शक्तिमान अपनी मानसिक शक्तियों को मेरी मानसिक शक्तियों से मिला देगा तो हम सुनंदा का संपर्क उन यंत्रों से तोड़ सकते हैं जिनसे सुनंदा को संचालित किया जा रहा है। तो फिर देर क्यों कर रहे हैं महाशय? क्योंकि समस्या का निदान फिर भी नहीं होगा शिशिर। क्यों? क्योंकि शक्तिमान तो हमारे साथ ध्यान कक्ष में रहेगा, तो फिर सुनंदा को कौन पकड़ेगा? यदि सुनंदा शक्तिहीन हो जाती है तो उसे हम में से कोई भी पकड़ सकता है, इसलिए आप शक्तिमान के साथ मिलकर सुनंदा को शक्तिहीन बना सकते हैं, तो उसे शक्तिहीन बनाइए। ठीक है, हम अभी शक्तिमान से बात करते हैं। शक्तिमान, शक्तिमान, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। संजीव महाशय, मेरी आवाज सुन रहे हो ना शक्तिमान? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं। कहिए महाशय, क्या बात है? तुम शीघ्र मेरे पास आ जाओ शक्तिमान, शीघ्र ही आ जाओ, बहुत ही आवश्यक कार्य है तुमसे। ठीक है, मैं शीघ्र आ रहा हूं, आप प्रतीक्षा कीजिए। मां तुम? क्या हुआ बेटे, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, बस यूं ही नींद टूट गई थी। पर तुम अब तक जाग रही हो मां? हाँ, पता नहीं क्यों आज नींद ही नहीं आ रही। अच्छा हुआ तू भी जाग रहा है। अगर माँ तुम्हें नींद नहीं आएगी तो मैं संजीव महाशय के पास कैसे पहुंच पाऊंगा? अरे बेटा, खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? हुँ? आओ बैठो, मेरे पास आओ, बैठो बेटा बैठो। पता नहीं बेटे, आजकल मुझे नींद ही नहीं आती। गांव में थी तो जैसे लेटो आंखें बंद करते ही मुझे नींद आ जाती। पता नहीं कब तक मैं संजीव महाशय के पास पहुंच पाऊंगा, वो वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गांव में थी माँ। ये क्या, इतनी जल्दी आ गया तू? हाथ में क्या है, दिखा, चल दिखा। साड़ी? हाँ माँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। कहाँ से लाया तू, कहीं चुरा के तो नहीं लाया? नहीं नहीं, वो जो मेले के लिए जो पैसे दिए थे उनसे साड़ी ले आया। क्या? लेकिन मैंने तो तुम्हें मेले के लिए पैसे दिए थे ना, खिलौने और पटाखों के लिए दिए थे ना। लेकिन तुम्हारी साड़ी भी तो पुरानी हो चुकी थी। मैंने तुम्हें देखा था, तुमने साड़ी वाली से भी साड़ी नहीं खरीदी। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब दिवाली के वक्त तुम्हारे दोस्त खिलौनों से खेलेंगे, पटाखे जलाएंगे, तब क्या करेगा रे तू? तुझे दुख नहीं होगा? नहीं माँ, मुझे दुख नहीं होगा। मैं अपनी माँ को नई साड़ी पहनते हुए देखूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। जाओ बेटा, अब इनकी बात मानना। परंतु ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं माँ? ये तुम्हें बड़ी पाठशाला लेकर जाएंगे। बड़ी पाठशाला? मतलब हमारे गांव की पाठशाला से भी बड़ी पाठशाला माँ? हाँ बेटे, बहुत बड़ी पाठशाला है बेटा। अब चलता हूँ वैद्यराज जी, विलंब करना उचित न होगा। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। चलो वत्स, आओ।
माँ, माँ, माँ। देखो बेटा, अब पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो वापस दौड़कर मेरे पास आ जाओगे। तुम्हें तो इनके साथ जाना है ना, इसीलिए पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं देखोगे ना, ले जाइए, ले जाइए। आओ। वो वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शिशिर, जब हम शक्तिमान के साथ ध्यान कक्ष में होंगे तब। लीजिए महाशय, शक्तिमान आ गए। तुम? हाँ महाशय, मैं जयकौल के जंगल से भागकर आई हूँ। मैं उसके बहकावे में आ गई थी, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? हाँ हाँ, हाँ क्यों नहीं। सुनंदा, नहीं महाशय, ये भागकर नहीं आई है, जयकौल ने भेजा इसे। ये शक्तिमान की तरह घूम घूम कर आई है यहाँ, और ये ऐसा तभी कर सकती है जब जयकौल इसे अपने यंत्र से संचालित कर सके। ये तो हम भी समझ चुके हैं शिशिर, अच्छा ही हुआ जो यहाँ आ गई। आ तो गई परंतु यहां से लौट नहीं पाएगी। सुनंदा हूं मैं, सुपर हीरोइन सुनंदा। शक्तिमान जैसी शक्तियां हैं मेरे पास में। तुम दोनों तो क्या, अब शक्तिमान भी नहीं रोक सकता मुझे। सो गई है, अब मैं संजीव महाशय के पास होकर आ सकता हूं। संजीव महाशय कहाँ गए? शक्तिमान, बेहोश कैसे हो गए थे तुम, और महाशय कहाँ है? वो महाशय को ले गए शक्तिमान। वो कौन? सुनंदा। सुनंदा आई थी शक्तिमान, उसी ने मुझे महाशय को बेहोश किया था, और वही महाशय को उठाकर कहीं ले गई होगी। क्या तुम बाकी लोगों को यह खबर दे दो, मैं देखता हूं उसे। कहीं नामो निशान नहीं है उसका,
वो महाशय को जरूर जयकौल के किसी ठिकाने पर ले गई होगी, मगर कहां हो सकता है जयकौल का ठिकाना? ये तुमने अच्छा किया सुनंदा, बहुत ही अच्छा किया। अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा सुपर हीरोइन बनने से। अब इसका क्या करोगे जयकौल, मार दो कैसे? नहीं नहीं, इसे कैसे मार दूं? ये तो तुमसे भी बड़ा आविष्कार बनेगा मेरा। इसे मैं ऐसा हथियार बनाऊंगा जो शक्तिमान को ही खत्म कर देगा। हाँ, मगर फिलहाल तुम कल से ही शहर में शुरू कर दो अपने कारनामे, समझी सुनंदा? अरे 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 बच्चा भी अंदर में, बच्चा अंदर में, आग के अंदर में बच्चा, मेरे बच्चे, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे, कोई ऐसे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। अरे ये तो सुनंदा है। मेरी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। सुनंदा तुम वापस आ गई, लेकिन शक्तिमान से हार कर तुम भाग गई थी ना? सुनंदा किसी से नहीं डरती, अब डर कर भागेगा तो शक्तिमान। यस, आज सचमुच ग्रेट न्यूज मिली है मुझे, अभी जाकर गीता दीदी को बताता हूँ। यस। सुनंदा और शक्तिमान की लड़ाई कैसे हुई थी, वो वहां से कैसे भाग गई, ये सारी डिटेल्स मैंने इस फाइल में लिख दी है। हम चाहे तो इसे न्यूज भी बना सकते हैं, ये लीजिए। दीदी अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक नई न्यूज लेकर आया हूँ कवरेज के साथ। कैसी न्यूज हेमल? मैं सुनंदा का नया कारनामा लेकर आया हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम, सुनंदा वापस आ गई? हाँ वो वापस आ गई है, और हम सुनंदा का कारनामा टीवी पे दिखा सकते हैं। यस, थैंक्स अ लॉट मिस्टर हेमल, थैंक यू वेरी मच। अब हम ये कारनामा टीवी पर जरूर दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। लेट्स गो मिस्टर हेमल, प्लीज। राजपुर की एक इमारत में अज्ञात कारणों से लगी आग भयंकर रूप ले लेती अगर सुनंदा ने ऐन वक्त पर पहुंचकर आग को बुझाया न होता। इस हादसे में 5 वर्षीय बच्ची की जान भी चली जाती, लेकिन सुनंदा ने उसकी जान बचा ली। सुनंदा के इस कारनामे से सभी लोग बहुत खुश थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया, मेरी बच्ची। सुनंदा तुम वापस आ गई, लेकिन शक्तिमान से हार कर तुम भाग गई थी ना? सुनंदा किसी से नहीं डरती, अब डर कर भागेगा तो शक्तिमान। आखिर जिसका डर था वही हो रहा है, वो सुपर हीरोइन बन रही है शक्तिमान। खबर मिली है कि एयर सबीना की फ्लाइट नंबर 116 का इंजन फेल हो गया है। I think the left engine is failing. Mayday, Mayday, LM 105 calling. We have an emergency. The left wing of the plane has been broken due to lightning strike. We request emergency landing. Mayday, Mayday. Passengers are requested to fasten seat belts. What is our position? 6,000 feet, 5 miles away from the airport. We are losing height very fast. We are losing height very fast. Mayday, Mayday. हम मुश्किल में हैं. हम मुश्किल में हैं. We are in danger. We are in danger. Mayday, Mayday. समाचार के मुताबिक सुनंदा ने फ्लाइट नंबर 116 को बचा लिया है, उसमें मौजूद सभी 300 यात्री सुरक्षित हैं। सुनंदा ने तो कमाल कर दिया,
आज शक्तिमान से ज्यादा सुनंदा के हर जगह चर्चे हो रहे हैं। अरे शक्तिमान को तो बहुत पीछे छोड़ दिया सुनंदा ने, देखा नहीं तूने? मुझे तो लगा कि शक्तिमान आया है, लेकिन वो तो निकली सुनंदा। क्या हुआ? कुणाल, ब्रेक फेल हो गया है। ओ माय गॉड, हैंड ब्रेक ट्राई किया? मैंने वो भी कर लिया। अरे संभाल के, अरे कंट्रोल करो, हाँ, अरे कंट्रोल करो प्लीज, हाँ संभालो, अरे मोटर बाइक आ रही, संभालो। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान होता है जब आदमी